नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें बिहार जुडिशी की, एक बार फिर से बिहार जुडिशी ने आप सबको मौका दिया और इस बार बहुत जल्दी मौका दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत टाइम लग गया था, लेकिन इस बार बैक टू बैक आपके पास वैकेंसी आई है, बस हो जाइए तैयार। बिहार जुडिशी के लिए बहुत सारे आपके मन में आ रहा है, क्योंकि बिहार वाले तो एग्जाम देंगे, पर बिहार के बाहर वालों को लगता है कि क्या हम भी एग्जाम दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। जब 2015 में आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई थी जो आरजेएस के स्टूडेंट थे, और उन्होंने बिहार जुडिशी निकाला। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, अच्छा इन्होंने बिहार निकाला, राजस्थान के थे, बाद में उन्होंने राजस्थान निकाल लिया, अभी आरजेएस हैं वो काफ़ी सालों से हैं, ठीक है। तो ये सरप्राइज था कि बिहार भी निकाल सकते हैं क्या राजस्थान के बाहर वाले? हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, पढ़ने वाला बच्चा कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा इंडिया बिहार का एग्ज़ाम दे सकता है। आइए कुछ डिस्कस करते हैं बिहार जुडिशी के ऊपर कौन दे सकता है। नंबर वन, जिसकी LLB कंप्लीट है वो दे सकता है। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन यानी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। तो पहला क्लियर हो गया, जिसकी LLB कंप्लीट है वो दे सकता है, इट्स मीन अपीयरिंग वाला बच्चा नहीं दे सकता, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी नहीं है। नंबर टू, मिनिमम एज कितना है, कौन दे सकता है? मिनिमम एज 22 ईयर्स है। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए, मेल पर्सन के लिए, जनरल कैटेगरी मेल के लिए 35 है, OBC के लिए 38 है, फीमेल्स के लिए 40 है, SC ST के लिए 40 है। तो जनरल मेल के लिए 35 है, OBC के लिए 38 है, SC ST 40 है, फीमेल के लिए 40 है, डिसेबल पर्सन के लिए 40 ईयर्स है। तो ये आप लोग दे सकते हैं। बिहार का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं, मीडियम का बैरियर बिहार में नहीं है, बिहार में कोई भी लोकल सब्जेक्ट भी नहीं है। बिहार के प्री एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जो है आपके GK का होता है और सेकंड आपके लॉ का होता है। GK में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छी बात है लॉ के जो सब्जेक्ट है प्री और मेन दोनों में सेम ही है, बस मेन में आपके पास चॉइस होती है, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 27 फेब को, जो चलेंगे 27 मार्च तक, यानी एक महीना तो आपके पास सीधा सेट है पढ़ाई करने का। इस दौरान डेट नहीं आएगी एग्ज़ाम की, उसके बाद जो नोटिफिकेशन में लिखा है उस हिसाब से आपका होगा, ठीक है। अब आता है कि GK में क्या क्या आता है, करंट GK है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहती हूँ GK पढ़ा करें रूटीन में, क्योंकि राजस्थान को छोड़ो, छत्तीसगढ़ को छोड़ो, तो लगभग सभी स्टेट पर थोड़ा बहुत GK तो पूछते ही पूछते हैं, तो पढ़ना चाहिए, नुकसान नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा, डायवोर्सी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, विडो को मिलेगा या नहीं, वो आपको इसी में ही देखना है, एक बार नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। फिर आते हैं मेन एग्ज़ाम में चलते हैं। मेन एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट पेपर होता है GK का, सेकंड होता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस जो 10th लेवल की होती है, आप एक बार पढ़ोगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका और रिमाइंडर भी हो जाएगा। तीसरा है हिंदी का पेपर, चौथा है इंग्लिश का पेपर और पाँचवा आता है प्रोसीजर लॉ। ये पांच पेपर तो मैंडेटरी है, सबको ही देने होते हैं, सबके लिए रहता है, पहला GK, दूसरा जनरल साइंस, तीसरा हिंदी, चौथा इंग्लिश और प्रोसेस लॉ यानी एविडेंस, CRPC, CPC, ये, ठीक है। अब जो यहाँ पे सेकंड पेपर है उसमें तीन पेपर और होते हैं, 6, 7 और 8, पर उसमें चॉइस होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट लेना है या क्या लेना है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, कई बार आप कन्फ्यूज़ होते हैं मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, वो भी आज मैं डिस्कस करती हूँ। फिर होता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ होता है। इसके अंदर TP होता है, SRA होता है, ट्रस्ट एक्ट होता है, ठीक है, TP, SRA, ट्रस्ट और इक्विटी होती है। इसके अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और टॉट होता है, और इसमें कंपनी लॉ में 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से किसी 3 को आपको ऑप्ट करना पड़ता है, तो आप कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं किस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मुझे कौन सा लेना चाहिए। पहली बात तो जो आपको अच्छा आता है वो ले लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरे लिए ईजी रहे, जिसको बहुत लेंदी ना हो जाए, तो कौन सा लेना चाहिए, तो फिर आपको एक तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ लेना चाहिए, एकदम ईजी है,
ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास टीपी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट और टॉट लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और टॉट काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये तीन ऑप्ट करने से आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी जो है वो भरमार है, पढ़ो जितना कम है, क्योंकि अनकोडिफाइड लॉ आ जाता है। कंपनी लॉ के आपके चार नए एक्ट आ जाते हैं, फिर उनके कानून के अकॉर्डिंग तो उनके आंसर बड़े नहीं मिल पाते हैं, जबकि आप देखो कॉन्ट्रैक्ट और टीपी टॉट में बड़े बड़े आंसर लिख सकते हो, तो पेजेस भर सकते हो, इनमें आप पेजेस नहीं भर सकते। टीप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में आप कर सकते हो, टीपी और इनके भी आंसर बड़े कर सकते हो। तो आपको जब भी तीन रखना है पाँचों में से ऑप्शन, तो इन तीन को रखिए, इसमें मार्क्स भी छेंगे। लिखने के लिए आपके पास मटेरियल होगा कि मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो इतना बड़ा कहाँ से लिखोगे। तो ये एक छोटा सा है इसका सिलेबस, और सभी बच्चों को देना चाहिए, सबको फॉर्म भरना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं आज ही कहूँगी कि जो लोग जीके जीएस नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू करें, रूटीन रखें अपनी जीके जीएस की। लिटरली आपको लगेगा वाह कितनी ईजी है, कर लेना चाहिए। मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मोस्ट ऑफ लॉ वाले को बच्चों को जीके जीएस का कभी काम ही नहीं पड़ता। मैं भी कई बार बैठ कर सोचती हूँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरा समय नहीं मिल पाता। बट आपके पास समय है, जो भी LLB कर रहे हैं, जिनको भविष्य में जुडिशरी में जाना है, वो ड्यूरिंग LLB ही अपनी जीके जीएस को मजबूत करें। क्योंकि ऐसा क्यों कि एक स्टेट निकाले, आप बहुत सारे स्टेट निकालो ना, ज्वाइन नहीं करना है, एटलीस्ट खुद के लिए लाइफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यस मैंने जुडिशरी मोर देन वन निकाली। एक तो निकालनी है, पर खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करें। तो आपके पास समय है, आज से ही अपना स्ट्रेटेजी प्लान स्टार्ट करें और अपनी तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँगी, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस बिहार जुडिशरी की क्लासेस चलाती हैं। अभी अगर बिहार जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ायदा है कि दो सब्जेक्ट, दो टाइम तो कॉमन चलता है जहाँ पे प्रोसीजर लॉ डिटेल पढ़ते हैं, उसके अलावा एक टाइमिंग अलग रहेगा जिसके अंदर तो बिहार जुडिशरी के जो भी एक्स्ट्रा एक्ट हैं वो उस पर पढ़ाए जाएंगे। हम लोग बिहार जुडिशरी के लिए जो है आपके लॉ को कम्प्लीट पढ़ाते हैं, जीके नहीं पढ़ाते, जीएस नहीं पढ़ाते, साइंस नहीं पढ़ाते, क्योंकि लॉ इंस्टीट्यूट है। लेकिन हाँ, इस बार हम कोशिश करेंगे बिहार जुडिशरी में हिंदी और इंग्लिश को भी हम पढ़ाएंगे। तो बिहार जुडिशरी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस कितनी है, क्या रहेगा, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ बिहार जुडिशरी की मॉक टेस्ट सीरीज भी हम चलाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, प्री की भी चलाएंगे, मेन की चलाएंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। जो अगले बिहार जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैचेस भी चलते हैं, आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी क्या बोलते हैं डिटेल के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम लोग क्रेश कोर्स नहीं चलाते, क्योंकि हमारे मानना है कि क्रेश कोर्स से आप क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी काम नहीं आता, करना हमेशा लॉन्ग कट है। तो फाउंडेशन बेच में हम जीरो से जेड तक पढ़ाते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर कराते हैं। तो वो कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन जोधपुर आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन के अंदर जो है आपको जूम पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास नहीं है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले बिहार जुडिशरी के जिन बच्चों ने हमसे ज्वाइन किया था, उनका कोरोना की वजह से अगर कोर्स बाकी रह गया है तो फिर से वापस आके जोधपुर में ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी कोई अलग से फीस नहीं लगेगी, वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम हो गया था, कई लोग चले गए थे, तो उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं को फिर से जोधपुर आके क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग से इनकी कोई फीस हम नहीं लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।